जी सर, आज हम बात करेंगे अगर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हों जिसके अंदर ऑल ऑपरेशंस यानी एडिशन डिवीजन है, ठीक है, इसी तरह कुछ और क्वेश्चंस हैं जिसमें सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन भी अवेलेबल होगी, हम उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे, यानी अगर चारों के चारों ऑपरेशंस एक ही क्वेश्चन में आ जाएं या एक ही सवाल में हो तो हम उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए, मैं स्टार्ट करूंगा एक सिंपल एग्जाम्पल से, न्यूमेरिकल मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन की तरफ हम बाद में आते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लेट सपोज मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ जी, सिक्स डिवाइडेड बाय या इस तरह कर लेते हैं, सिक्स प्लस, ठीक है, सिक्स प्लस यहाँ पे हम कर लेते हैं जी, ट्वेल्व डिवाइडेड बाय फोर, ठीक है, माइनस टू मल्टीप्लाई बाय थ्री, लेट सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब जब हमारे पास इस तरह क्वेश्चन आता है तो हमें पता है कि हम एक रूल यूज करते हैं विच इज कॉल्ड बॉड मास रूल, ठीक है, बॉड मास, आप डिमास रूल भी आप कह सकते हैं सिंपल, चूंकि हम अभी इसके अंदर ब्रैकेट्स नहीं है तो हम जस्ट डील करेंगे डिमास रूल के अंदर, ठीक है। यानी सबसे पहले सॉल्व होती है डिवीजन, ठीक है, डिवीजन सबसे पहले सॉल्व होगी, देन मल्टीप्लीकेशन यानी ज़रब ज़रब करेंगे या फिर हम नंबर्स को जहाँ पे ज़रब होगी, और उसके बाद एडिशन करेंगे, ठीक है, और इसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे। एंड बी फॉर, यहाँ पे मैं ये भी मेंशन कर दूँ, बी फॉर यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के अंदर जो तरतीब है वो भी हमें पता है, और ओ फॉर ओपन, ठीक है। तो बेसिकली ये रूल है जिसको अप्लाई करके हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, अब वुमेन स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, जो मिस्टेक्स होती हैं वो क्या करते हैं, सिक्स प्लस टू ट्वेल्व को पहले ऐड कर देंगे, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। अब देखें, डिमैश रूल के तहत सबसे पहले डिवीजन सॉल्व हो रही है, इसका मतलब है कि 12 6 में ऐड होने से पहले 4 से डिवाइड होगा, ठीक है, 12 6 में ऐड होने से पहले 4 से डिवाइड होगा, तो ये बनेगा जी 6 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4। उसी तरह अब यहाँ पे 2 जो है वो 4 से सब्ट्रैक्ट, 4 में से सब्ट्रैक्ट होने से पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा माइनस थ्री टू जार सिक्स, ठीक है। आप देखें, अकॉर्डिंग टू डिमैश रूल हम यूज कर रहे हैं, हमने पहले डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया, नेक्स्ट हम मूव करते हैं तो हमें समझ आती है 4 1 टाइम्स 4 एंड 4 3 टाइम्स 12, ये आ गया हमारे पास 6 प्लस 3 और माइनस 6। अब अगर आप देखें, नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन, एडिशन में अगर आप देखें 6 प्लस 3 इज 9 एंड माइनस 6, 9 माइनस 6 इज 3, ये हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर। बात करने का मकसद सिंपल इतना सा है कि जिस तरह से हम डिमैश रूल को फॉलो करते हैं नंबर्स को सॉल्व करने में, इसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने में भी हम डिमैश रूल को फॉलो करेंगे, यानी कि हम ये जो गिवन फर्स्ट हमारे पास टर्म है, ठीक है, जो सेकंड टर्म के अंदर ऐड हो रही है, लेकिन हम इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते बिकॉज सबसे पहले हमारे पास डिवीजन साइन हम सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू डिमैश रूल, तो सबसे पहले x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई एक्स, ये सबसे पहले से डिवाइड, सबसे पहले हम डिवीजन सॉल्व करेंगे, फिर हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फर्स्ट पार्ट है जी, हम लिखते हैं जी, मतलब इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है, सॉरी, ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है जी एक्स फोर माइनस वाई फोर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, हम यहाँ पे इसको यहाँ से ही सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज अगर आप देखें इसको तो हम इसको एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख सकते हैं, माइनस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख सकते हैं, ठीक है, चले हम इस तरह से कॉल लेते हैं ताकि हम अपना टाइम सेव करें। फर्स्ट स्टेप में ही अगर हम देखें तो हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे बल्कि इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर आ गया और माइनस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर आ गया, और इसी तरह अगर आप ये देखें तो ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर है, ए स्क्वेयर प्लस बी प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वेयर, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर, ठीक है। इसी तरह से अब हम देखते हैं जी, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, प्लस एक्स माइनस वाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स और एक्स प्लस वाई, अब ये डिविजन साइन है मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होगा, नेक्स्ट टर्म रेसिप्रोकेट एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो x जो है वो x से इजीली कैंसिल आउट हो सकता है, x को हमने x से कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास, हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ, चलें जी यहाँ से, अब अगर आप देखें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर, ठीक है, और प्लस यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है जी
x minus y over x plus y into x square plus y square. अब मज़ीद अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम किस तरह से कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तो कोई फार्मूला एज सच नहीं है हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में फार्मूला, और यहाँ पे हमारे पास एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है, और इसी तरह प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इसी तरह x माइन एक्स प्लस वाई जो है ये इसका स्क्वायर ख़त्म कर देगा, हम डिफरेंट कलर से इसको कैंसिल कर लेते हैं जी, चलें जी वाइट कलर, x प्लस वाई जो है एक्स इसका स्क्वायर कैंसिल आउट कर देगा, हमारे पास क्वेश्चन फर्दर किस तरह से मूव करेगा इस पे बात करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई अवर एक्स प्लस वाई, ठीक है, और इसी तरह प्लस x माइनस वाई अवर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका हमारे पास एलसीएम क्या होगा, ठीक है, इसमें हम एलसीएम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, अब एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड अनकॉमन फैक्टर्स, अब कॉमन फैक्टर्स क्या है इसमें अंदर, x प्लस वाई जो है इसमें कॉमन फैक्टर है, ठीक है, इन दोनों में यानी डिनोमिनेटर में हम अंडर जो है वो एलसीएम ले रहे हैं, इसमें देखें x प्लस वाई कॉमन फैक्टर है दोनों में एक दफ़ा आएगा, और नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, या अनकॉमन फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से आ गया, अब अगर आप देखें तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो x प्लस वाई को स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास आंसर में आएगा, बाकी जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है जो कि एज इट इज़ हमारे पास न्यूमरेटर में मौजूद है उसको हम लिख देते हैं माइनस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे अगर आप देखें इसको डिवाइड करेंगे तो वन टाइम होगा, ठीक है, वन टाइम होगा ये आ जाएगा जस्ट एक्स माइनस वाई, ठीक है, फर्दर इसको हम सॉल्व करें तो क्वेश्चन हमारा किस तरफ मूव करता है जी, किस तरह से सॉल्व होगा, हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन टाइम है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन टाइम है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों दफा मल्टीपल दो दफा ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो पावर ऐड हो जाएगी, और इसी तरह एक्स माइनस वाई यहाँ पे प्लस एक्स माइनस वाई यहाँ पे, ठीक है, और इसी तरह से नीचे हमारे पास एक्स प्लस वाई यानी डिनोमिनेटर में ये एज इट इज़ रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से चलेगा जी, यहाँ से अगर आप देखें तो एक्स माइनस वाई दोनों में कॉमन है, ठीक है, एक्स माइनस वाई यहाँ से हम कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा वन, ठीक है, प्लस कितना हो गया वन हो गया डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ तक भी आंसर ठीक है, वरना अगर हम इसको मजीद अगर इसको फार्मूला अप्लाई करें उसको ओपन कर दें यहाँ से तो ये आंसर हमारा किस तरह से बन जाएगा जी एक्स माइनस वाई इंटू ये ए स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर, बी स्क्वायर वाई का स्क्वायर वाई फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी टू ए बी और प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने जो है वो जब हमारे पास वेरिएबल ऑपरेशंस यानी बेसिक ऑपरेशंस वेरिएबल फॉर्म में मौजूद हों अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के अंदर तो हम उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं।